हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे मेफनेमिक एसिड टैबलेट के बारे में। तो दोस्तों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाए, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं इस टैबलेट के स्ट्रेंथ के बारे में। तो दोस्तों, यह टैबलेट आपको 125 mg, 250 mg और 500 mg के कंपोजिशन में उपलब्ध मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं इस टैबलेट के कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम के बारे में, जिनमें आपको मेफ्टाल टैबलेट, मेफ्टाल पी टैबलेट, पोन स्टोन टैबलेट, मेफेजेसिक टैबलेट, मेफास्ट टैबलेट और अपने जेनेरिक नेम मेफनेमिक एसिड के नाम से किसी भी मेडिकल शॉप या केमिस्ट की दुकान पर आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं इस टैबलेट के रेट के बारे में। यह टैबलेट आपको 2 रुपए से लगाकर 5 रुपए प्रति टैबलेट के हिसाब से या 20 रुपए से लगाकर 50 रुपए प्रति 10 टैबलेट के हिसाब से मिल जाता है। तो दोस्तों, यह टैबलेट आपको जो कि मेफनेमिक एसिड होता है, यह टैबलेट आपको ड्रोटावरिन टैबलेट के साथ या फिर डाइसाइक्लोमाइन टैबलेट के साथ या आपको पैरासीटामोल टैबलेट के साथ मिल जाएगा। तो दोस्तों, लेकिन हम यहाँ पर केवल मेफनेमिक एसिड टैबलेट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं इस टैबलेट के यूज के बारे में। इस टैबलेट का प्रयोग गठिया रोग की समस्या हो उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है। गठिया रोग में जैसे जोड़ों में दर्द हो, हाथ पांव के उंगलियों में दर्द होता हो, सूजन आ गया हो, उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं। पेट में दर्द हो रहा हो, उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। बुखार आ रहा हो, उसमें इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। बुखार में पैरासीटामोल टैबलेट के साथ देने से बुखार बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। पीरियड के दौरान महिलाओं में पेट दर्द करता हो, उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। अर्थराइटिस की समस्या हो उसको ठीक किया जाता है। सिर में दर्द हो, बदन दर्द करता हो, उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। पीरियड के दौरान पेट में दर्द या कमर में दर्द होता हो, उसको ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग करते हैं। दर्द से जुड़ी सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस टैबलेट का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं इस टैबलेट के डोज के बारे में। इस टैबलेट को आपको वेट और एज के हिसाब से देने की सलाह दिया जाता है। इस टैबलेट को आपको 2 से 3 टैबलेट प्रतिदिन लेने की सलाह दिया जाता है। यह टैबलेट आप खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद दोनों प्रकार से ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में। यदि आपने इस टैबलेट का सेवन किया है तो आपको कुछ साइड इफेक्ट दिखाई देंगे, जिनमें आपको सर में दर्द होने लगता है, दस्त की समस्या हो सकती है, पेट में दर्द हो सकता है, उल्टी या मतली होने लगती है, चक्कर आने लगता है, घबराहट हो सकती है, इत्यादि की समस्याएं दिखाई दे तो इस टैबलेट का सेवन करना बंद करें और अपने नजदीकी डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि इस टैबलेट का सेवन कौन कौन से व्यक्ति नहीं कर सकते या किन किन व्यक्ति को यह टैबलेट नहीं देना चाहिए। यदि व्यक्ति को
पेट में अल्सर की समस्या हो तो उस व्यक्ति को यह टैबलेट ना दें। खून की कमी हो या एनीमिया की समस्या हो उस व्यक्ति को यह टैबलेट नहीं देना चाहिए। लीवर रोगी हो वह व्यक्ति यह टैबलेट ना प्रयोग करें। गुर्दे की बीमारी हो उसमें इस टैबलेट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हृदय रोगी हो वह व्यक्ति इस टैबलेट का सेवन ना करें। दमा या अस्थमा से जुड़ी समस्याएं हो उस व्यक्ति को यह टैबलेट नहीं देना चाहिए। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।